ये होगी थोड़ी सी हमारी ब्रेकफास्ट प्लेट, ज़्यादा खाना नहीं है। ये जूस मशीन, ये कॉफ़ी बनाने का एरिया, दूध के पैकेट देखो, मिल्क इसमें भी है वैसे, मिल्क तो इसके अंदर। अब दिखाते हैं आपको पीछे का एरिया, ये देखो ऐसा नजारा है किचन से निकलने के बाद बैक साइड का, मजेदार बिल्कुल। बैठ के एंजॉय करो, बारिश आई थी तो सारा भीगा हुआ है। और ये होटल की पार्किंग साइडों में, और यहाँ पे है अंदर जिम। एक बार ये भी दिखा के लाता हूँ जिम को भी, कैसा दिखता है। ये जिम जाने की बालकनी, और ये कार्ड से हो रहा है हर जगह एक्सेस, और एक्सेस कार्ड है तो टप करो और खोल लो। ये है जिम, देख लो कैसी 911 क्रैश। ये मैं, और यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है। एक ही दिन आया था मैं तो बस एक्सरसाइज करने। चले फिर वापस रूम की तरफ, स्टेडियम। दबा के निकाल लो। एक मज़ेदार बात है, जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको ये रोड़ी बजरी से कवर कर दिया है ताकि इनकी जड़ों में मॉइस्चर बना रहे और ये सूखे नहीं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है तो सूखने के चांसेस रहते हैं, तो सबको ऐसे कवर कर देते हैं पत्थरों से ताकि इनका जीवन बना रहे। ये देखो सारे के सारे। और ये बड़ी बड़ी गाड़ी रैम, सबसे मोस्टर गाड़ी है रैम और जीएमसी की। ये देखो घने भरा भरा ट्रक हैं। और ये सामने मोपैक एक्सप्रेसवे, और ये सामने से है होटल का व्यू, स्प्रिंग हिल सूट्स बाय मैरियट। अभी चल के दिखाएंगे अंदर का नज़ारा ताकि आपको आइडिया हो सके कैसा दिखता है होटल अंदर से। दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं सेंसर से,
होटल में खुद का पानी खरीदने की जरूरत नहीं है, यहाँ से बोतल भर भर के ले जाओ। और ये दिखाता भी है कि कितनी बोतल भरी है आज तक इसमें से, रीसेट भी कर देते होंगे वैसे, 16,000 बोतल भर चुकी हैं इसमें से। और क्या दिखाया जाए, सारे रूम है ये फर्स्ट फ्लोर पे, और शायद ग्राउंड फ्लोर को ही फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है यहाँ पे, गेस्ट लॉन्ड्री। ये देखो आइस डिस्पेंसर, ये वॉशिंग मशीन, ड्रायर वगैरह जो भी सिस्टम है कपड़े धोने के लिए गेस्ट के लिए, मैंने तो ट्राई करा नहीं है, अपने रूम पे जाके ट्राई करेंगे। आइस डिस्पेंसर अगर पुश करेंगे तो आइस आ जाएगा इसमें से, देखा मतलब ये वेस्ट करना नहीं चाह रहा था मैं, पर फिर भी दिखाने के लिए करना पड़ा मेरे को, मजबूरी है क्या करें। दोबारा से अंदर से ऐसे ही खुल जाएगा नॉर्मली, एंट्री के टाइम आपको कार्ड लगाना पड़ता है, एक्सेस कार्ड। चलो अब जाते हैं अपना एलिवेटर्स की तरफ, लिफ्ट एरिया। यह होगी लिफ्ट, दबा दो 5 नंबर। ऑटिस, पहुंच गई 5th फ्लोर पे। ये आ गया 5th फ्लोर। सेम आइस डिस्पेंसर इधर भी है, ये लॉबी। और ये हमारा कमरा नंबर 506। ओपन हो गया, ये है कमरा। सारी लाइट ऑन कर देंगे इसकी। तो ये है भाई, ये छोटी सी किचन है, स्टीमर है, और भी कई चीजें हैं, ओवन है, दिखता होगा अंधेरे में पता नहीं। ये रेफ्रिजरेटर, हमारा सामान रखा है कुछ जूस वगैरह इसमें, लैंप, सोफा, सोफा मतलब इसमें से नीचे बेड भी बन जाता है, ये खींच के निकल जाता है, और ऐसा कुछ दिखता है, टीवी, टेबल, जो भी आपको रूम में चाहिए होता है। ये मेरे को भी, मेरे लिए भी नई चीज़ थी ये वाली, लकड़ी का ट्रे सा, इसमें बैठ के, बेड पे बैठ के आप खाना खा लो। और फिर क्या है यहाँ पे, टेबल काम करने के लिए, भगवान जी, आदि योगी जी, हर हर महादेव, श्री गणेशाय नमः। और ये बेड हैं, 2 बेड दे रखे हैं, मैं भी इनके पास अवेलेबल नहीं होगा जब चेक इन किया मैंने, इसलिए 2 बेड वाला रूम दिया है। लैंप, 2 बेड और एयर कंडीशनर। और ये
बाहर का व्यू दिख रहा है या नहीं दिख रहा? भी दिखेगा। ये बाहर का व्यू विंडो से, ठीक है। तो ये ऐसा एक रफ आइडिया मिल रहा है आपको कैसा होता है। ये कपड़े रखने के लिए क्लोजेट, रजाई गुदड़े, हैंगर वगैरह लगे हुए हैं, प्रेस करने के लिए टेबल है, आयरन है, हेयर ड्रायर रखा है वो ब्लैक वाले में, उसको कर दो बंद, ठीक है। ऐसे बंद हो गया। और क्या है खास? वॉश बेसिन रोज ही अपने तौलिए बदल जाते हैं, यहाँ पे रोज नहीं एवरी टू डेज चेंज करके चले जाते हैं। और ये वॉशरूम, वॉशरूम का भी क्या दिखाना है, वॉशरूम, टिश्यू पेपर, और अपना डब्बा लेके जरूर आए ना तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बाथटब, शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश सब रखा है। तो ये है ओवरऑल रूम का नज़ारा। कैसा लगा आपको देख के ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। एसी पूरा यहाँ से ही इससे ऑपरेट हो जाता है। आपको कम कूलिंग चाहिए तो कम कर लो, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर लो। ये सब कॉन्सेप्ट तो नॉर्मल है, अपने इंडिया में भी हैं। तो ये है पूरे होटल का टूर, ओके। तो ये था पूरा होटल का व्यू, रूम का, जिम का, इसका, उसका, किचन का, पूरा दिखा दिया है आप लोगों को। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप यहाँ पे ऑस्टिन में आते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आप स्टे कर लेते हैं। हालांकि वाईफाई में थोड़ा इशू है जब आप वाईफाई पे काम करोगे, तो इसीलिए मैं 2 दिन पहले चेकआउट कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि वाईफाई इसका इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा। सामान अपना पूरा रेडी है, सामान देखो ये हमने अपना पैक करके रख दिया है सामान, बस अभी निकलने की है तैयारी पूरी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे जो जो भी नई चीज़ें हैं या आपको जानने की ज़रूरत है, सब कुछ आपको दिखाते रहेंगे। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहिए अगली आने वाली वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय। और ये हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैक्सिमम रूम रेट 1299, मेरे को कितने में मिला है ये रूम वो भी बता दूंगा, रूम नंबर, वेंडिंग मशीन्स एंड ऑल, ठीक है। सो अभी हो रहा हमारा चेकआउट, पूरा सामान लेके बाहर आ गया हूँ कैब के वेट करने के लिए। और एक सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस आप देखेंगे यहाँ पे, जब आप होटल में चेक इन करते हैं, चाहे आपके पास 10 बैग हो, चाहे 2 बैग हो, कितनी भी ज़्यादा सामान हो, आपकी कोई भी हेल्प करने के लिए कोई भी हेल्पर नहीं रहेगा। सारा सामान आपको घसीट के खुद रूम के अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो एक मतलब 4-स्टार होटल में, 5-स्टार होटल में ये एक्सपीरियंस आप यहाँ पे आके फील करेंगे कि आपको सारा सामान खुद ही घसीट के अंदर लेके जाना है।